की एक और जबरदस्त सी रेसिपी, और इस रेसिपी का नाम है चिकन टिक्का पिज्जा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ मैंने मैदा लिया है, यहाँ मैंने दूध लिया है, यहाँ मैंने प्याज ली है जिसको पतला पतला काट लिया है, यहाँ मैंने चिकन लिया है जिसको क्यूब में काट लिया है, यहाँ मैंने टमाटर लिया इसको भी मैंने पतला पतला काट लिया है, यहाँ मैंने शिमला मिर्च लिया इसको भी पतला पतला काट लिया है, यहाँ मैंने ऑलिव लिए, यहाँ मैंने कुटी लाल मिर्चें लिए, यहाँ मैंने पिसी लाल मिर्चें लिए, यहाँ मैंने वो लिया है खमीर, यहाँ मैंने नमक लिया, यहाँ मैंने सिरका लिया, यहाँ मैंने चीनी लिए, यहाँ मैंने टिक्का मसाला लिया, यहाँ मैंने ऑयल लिए, यहाँ मैंने मोजरेला और चेडर चीज़ लिया, उसको मिक्स कर लिया दोनों लिए, और ये मैंने एक एक कप लिए। ठीक है, तो आप बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए यहाँ मैंने बाउल लिया है, अब इसमें मैं डालूँगी मैदा 3 कप, अब इसमें मैं खमीर डालूँगी 3 टीस्पून। ठीक है, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी 1 टेबल स्पून, अब इसमें मैं नमक डालूँगी 1 टीस्पून, अब इसमें मैं दूध डालूँगी 1/4 कप, अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, अभी मैंने 1 गिलास लिया है। अब मैं इसको चलाऊंगी, अब मैं इसमें और डालूंगी पानी। ये पूरा 1 गिलास मैंने पानी डाला इसमें। इसकी ना डो बनानी है। ठीक है, अब मैं इसकी ना डो बना लूंगी। ये देखिए डो अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, अब मैं ना ऑयल लूंगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, और हाथों पे लगाऊंगी और इसको डो पे लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको ढक के ना 45 मिनट रखूंगी, और गरम जगह पे रखिएगा, किचन में रख दिएगा। ठीक है, या आपके पास माइक्रोवेव हो उसके अंदर रख दिएगा। कभी आप गरम करके रखें, माइक्रोवेव चलाएं और फिर इसको रखें, नहीं ऐसे ही रख दिएगा। अब मैं इसको 45 मिनट दूंगी। ठीक है, यहाँ देखे मैंने चिकन लिया 1.5 कप जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, बाजार का जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, नमक इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक होता है, और आप चेक कर लिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, 1/2 टेबल स्पून और डालूँगी, ये 1.5 टेबल स्पून हो गया है सिरका। ठीक है, अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी 1 टेबल स्पून, अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी, ठीक है, मैरिनेट होने के लिए। यहाँ देखें मैंने पैन लिया है, अब मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगी। चूल्हा मैंने मीडियम आँच पर रखा है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी, चिकन को आधा घंटा हो गया है मैरिनेट होते हुए। ठीक है, ये मैं सारी डाल दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी, अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको मैं पकाऊंगी गल जाने तक। ठीक है, आंच को मैंने मीडियम से हल्का कर दिया है। ये देखिए चिकन हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ठीक है, ये हो चुकी है अच्छे से। अगर आपको लगे ये कच्ची है तो आप पानी डाल दीजिएगा। इसमें ना मसाला गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। देखिए चिकन अच्छे से हो चुकी है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये देखिए अच्छे से डो हो चुकी है, देखिए कैसी फूल गई है। इसको 45 मिनट हो चुके हैं, अब मैं यूँ करूँगी इसको। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है हाथों पर, ताकि ये जो डो है ना ये मेरे हाथ पर नहीं चुपके। ठीक है, यहाँ देखिए मैं ऑयल डालूँगी नीचे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं हाथ में भी लूँगी ऑयल। ठीक है, अब मैं यूँ लगाऊँगी हाथ पे और यहाँ पे भी यूँ लगाऊँगी। ठीक है, ये अब मैं इसको ना यूँ करूँगी, सही है, नीट करूँगी अब मैं इसको यूँ 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको यूँ कट करूँगी। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको यूँ लूँगी। ये देखिए अब मैं ये भी यूँ ही कर लूँगी। ठीक है, यहाँ देखिए अब मैं खुश्की डालूँगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ रखूँगी और यूँ करूँगी। ठीक है, अब इसके ऊपर भी खुश्की डालूँगी मैं और इसको यूँ करूँगी। ठीक है, अब इसको मैं उठाऊँगी। ठीक है, और इसको मैं साइड पे रखूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा सा और अब इसको यूँ लगाऊँगी अच्छे से। अब मैं इसमें खुश्की डालूँगी, ये मैंने डाल दिए। ठीक है, अब मैं ये लूँगी और अब मैं इसको यूँ करूँगी। ठीक है,
यूँ फैलाना है अच्छे से ना पूरे पे। ये देखें मैंने अच्छे से फैला दिया, ठीक है। अब मैं इसको यूँ करूँगी, ठीक है, ये साइडों को। ये देखें अच्छे से हो चुकी है इसकी साइडें, ठीक है। अब मैं ये लूँगी काटा और इसको यूँ यूँ करूँगी, ठीक है। ये देखें मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी, ठीक है। आप कोई भी ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो ब्रांड का, ठीक है। अब मैं लगाऊँगी और ये मैं इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल गई थी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब मैं इसको अच्छे से लगाऊँगी। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी, ठीक है। ये देखें मैंने डाल दिए चिकन इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें ये टमाटर रखूँगी, ठीक है। ये मैंने पतला पतला काट लिया था टमाटरों को, ठीक है। ये मैंने एक ही टमाटर लिया है, ठीक है। अब मैं ये शिमला मिर्च रखूँगी इस पर, ये भी मैंने एक ली थी और पतली पतली काट ली थी मैंने लंबी लंबी। अब मैं प्याज डालूँगी इसमें, ये भी मैंने एक ली थी और इसको लंबा लंबा काट लिया मैंने, ठीक है। मोज़रेला और चेडर चीज़ ये मैंने मिक्स कर ली थी, ठीक है। आपको जितनी पसंद हो ना आप उतना ही ले लीजिएगा, ठीक है, चीज़ आपको जितनी पसंद हो, ठीक है। अब मैं ये डालूँगी पूरे पे अच्छे से। ये देखें मैंने चीज़ डाल दी इस पर अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसमें ऑलिव डालूँगी, ठीक है। ये देखें मैंने इसमें ऑलिव डाल दिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ देखें मैंने भगोना प्री हीट के लिए रखा था, ठीक है। 15 मिनट हो चुके हैं इसको प्री हीट हुए हुए, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगी। अब मैं इसमें स्टेन रखूँगी, ठीक है। और अब मैं इसमें ये रखूँगी पिज़्ज़ा। अब मैं इसको ढकूँगी और बंद कर दूँगी, ठीक है। और अब मैं इसको मीडियम आँच पे रखूँगी 45 मिनट, ठीक है। ये देखिए इसको 45 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगी, देखिए तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, ठीक है। अब मैं इसको निकालूँगी, ठीक है। ये यूँ आराम से निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लिया मैंने, ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको कट करूँगी, ठीक है। मैं इसको कट करूँगी, अब देखिए यहाँ से भी मैं कट करूँगी, ठीक है। और यहाँ से भी मैं कट करूँगी, ठीक है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है, और डिश आउट कर लूँगी, ठीक है। ताड़ा मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और देखिए कितने मज़े का लग रहा है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।